गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, क्लास 7 के स्टूडेंट्स। आज आप लोग को मैं न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें आपको एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, बीजगणितीय व्यंजक, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये क्या है। इसमें आपको वेरिएबल और नॉन वेरिएबल, चर और अचर के भी बारे में पढ़ने को मिलेगा। कांस्टेंट यानी कि जिसमें अल्फाबेट का लेटर प्रेजेंट ना हो, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब। इसमें सेल्फ प्रैक्टिस 5A देखेंगे कि 5A क्या कह रहा है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल, ये कह रहा है इसमें कौन पॉलिनोमियल है और कौन आपका पॉलिनोमियल नहीं है, इस पर हम लोग ध्यान देंगे। जैसे फाइव का फर्स्ट का ए, 5 - 7x, बी y³ + 16y² -11, सी नंबर 2y² -xy + 5y - 3, डी नंबर 2 - 9x। मान लेते हैं इस तरह आपका ए बी सी डी नोट कर लिए। इसमें ई भी है, एफ भी है, जी भी और एच भी है। अब इसमें देखेंगे कि कौन सा इसमें पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। ध्यान देना है आपको, तो देखिए इसमें एक्स है चाहे इसमें वाई है, पावर जो भी हो, इसमें भी मैं देख रहा हूं कि एक्स वाई है, लेकिन ये बटा के केस में चला गया, ये भी बटा केस में चला गया, तो ये आपका पॉलिनोमियल है, ये भी आपका पॉलिनोमियल है, लेकिन ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है, देख रहे हैं। लेकिन वही जब आप ई नंबर लेंगे, ई नंबर, तो आपका पॉलिनोमियल है। ई नंबर हम लोग देखें, 8 - 3x + 4y - 4x² - 6x³, तो ये आपका पॉलिनोमियल है। यानी कि आपका पॉलिनोमियल में क्या क्या आ गया, ए आ गया, बी आ गया, ई हो गया, इसी तरह और भी क्वेश्चन है, डी ई एफ, ये देख लेंगे कि कौन सा पॉलिनोमियल है या कौन सा नहीं है। जो बटा के केसेस में हो, ये खास करके ध्यान देना है, वो पॉलिनोमियल नहीं लिखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट द न्यूमेरिकल कोफिशियंट एंड डिग्री ऑफ ईच मोनो मियल, कह रहा है कि जो भी आपका दिया गया है उसका कोफिशियंट लिखना है और साथ ही साथ डिग्री भी लिखना है। चलिए हम लोग देखें क्वेश्चन को। ए क्वेश्चन नंबर 2, 45, बी 4x² / y, सी 42x⁻¹⁴, डी 9b, सी 8pq। 45, 4x² / y, 42x⁻¹⁴, इसके बाद 9
बी, ये 96 नहीं है, 9B है, ध्यान रखना है आपको, 8PQ ये दे दिया है। तो कह रहा है कि इसमें कोफिशियंट भी बताना है प्रत्येक का और साथ ही साथ ईच मोनोमियल का डिग्री भी बताना है। ये देखिए कैसे लिखेंगे। तो फर्स्ट नंबर आप देख रहे हैं कि ये कांस्टेंट टर्म है, 45, 46, 48 ये सब क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो इसमें डिग्री का वैल्यू जो होगा वो आपका जीरो हो जाएगा। इसमें डिग्री का वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और इसका नो कोफिशियंट लिख देंगे, नो कोफिशियंट लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल यानी कि आपका एक्स वाई जेड पी क्यू आर ये सब कुछ नहीं है। तो ये आपका हो गया कि नो वेरिएबल, यानी इसमें एक भी नहीं प्रेजेंट है, तो इसका कोफिशियंट नहीं होगा आपका, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट टू नंबर है आपका 4x² / y। तो इसमें लिखेंगे कि ये मोनोमियल यानी कि नॉट ए मोनोमियल एज द वेरिएबल बाई वाई इज द डिनोमिनेटर। लिखेंगे कि नॉट ए मोनोमियल एज द वेरिएबल वाई इज द इज इन द डिनोमिनेटर। कहे कि आपका डिनोमिनेटर में वाई दे दिया गया है, देखिए। और यहाँ पर आपका वेरिएबल भी जो यानी कि वाई, और देख रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये मोनोमियल है नहीं, लिखा हुआ है इसलिए कि नॉट ए मोनोमियल। आप लिख देंगे इसको नॉट ए मोनोमियल एज द वेरिएबल y इज द डिनोमिनेटर। y इज द इज इन द डिनोमिनेटर, आप इस तरह लिख देंगे। इसमें देख रहा हूं कि x का कोफिशियंट आपका 42 है और इसका डिग्री है -1/4, ठीक है। आप लिखेंगे कि नॉट ए मोनोमियल एज द एक्सपोनेंट इज नॉट ए होल नंबर, लेकिन ये जो है आपका होल नंबर नहीं है, माइनस के केसेस में चला गया है। तो लिखेंगे कि नॉट ए मोनोमियल, इसको भी लिखेंगे कि नॉट ए मोनोमियल द एक्सपोनेंट इज नॉट ए होल नंबर, द एक्सपोनेंट इज नॉट ए होल नंबर, लिखा हुआ है कि नॉट ए मोनोमियल एज द एक्सपोनेंट इज नॉट ए होल नंबर लिख देंगे, यानी ये पूर्ण संख्या आपका नहीं है इसी वजह से। लेकिन वहीं डी में चलेंगे तो ये बी है, बी का कोफिशियंट आपका 9 है। जहां तक डिग्री की रही बात तो आप 1 लिखेंगे, यानी कि लिखेंगे कि 9 इज कोएफिशिएंट। 9 इज क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट, चाहे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि कोफिशियंट 9 और इसके बाद डिग्री 1। बी का पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 जरूर है। उसी तरह पी क्यू, पी क्यू है आपका, तो पी क्यू में आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ई नंबर क्वेश्चन है, कोफिशियंट आपका क्या हो जाएगा देखेंगे। एक बार क्वेश्चन को मैं देख ले रहा हूं, एट पी क्यू
तो कोफिशियंट देखा जाए तो कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। कोफिशियंट कितना हो जाएगा, 8। इस तरह करके आप वन बाय वन क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। एफ नंबर देखेंगे तो कोफिशियंट कितना हो जाएगा आपका, -12 हो जाएगा। आप देखेंगे जब एफ नंबर का तो कोफिशियंट आपका कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। और इसके बाद डिग्री आपका कितना हो जाएगा, अगर 3 है तो 3 लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे। इस तरह करके वन बाय वन करके आप कंप्लीट करते जाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर देखें। सेलेक्ट द लाइक टर्म्स इन ईच पॉलिनोमियल। कह रहा है कि प्रत्येक पॉलिनोमियल में आपको सिलेक्ट करना है क्या, लाइक टर्म्स। तो ध्यान दीजिए, थ्री का ए, सेवन एक्स माइनस 3x माइनस 8, यहाँ प्लस 8 है। बी नंबर, ए प्लस बी प्लस 2a माइनस सी। सी नंबर, ए प्लस 3b माइनस सी प्लस 5b। हेडिंग है कि सेलेक्ट द लाइक टर्म्स, कह रहा है इसमें आपको लाइक टर्म्स सेलेक्ट करना है इन ईच पॉलिनोमियल्स, प्रत्येक पॉलिनोमियल में, इन एनी, इफ एनी, यदि कोई भी। तो देखिए कैसे हम सेलेक्ट कर रहे हैं, इस पर आपको ध्यान देना है। तो जिसमें एक ही जैसा हो, मैं देख रहा हूँ कि 7 में भी x है और 3 में भी x है, तो ये आपका हो जाएगा इसमें लाइक टर्म्स क्या, 7x और 3x। मैं देख रहा हूँ कि a यहाँ भी है, 2a यहाँ भी है, तो a और 2a भी आपका क्या हो जाएगा, लाइक टर्म्स हो जाएगा, a और 2a। इसमें देख रहा हूँ कि ये है और ये है आपका, तो 3b और 5b, ये भी क्या हो गया आपका, लाइक टर्म्स, जिसमें अल्फाबेट का लेटर एक ही जैसा हो, भले डिजिट जो भी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, लेकिन ध्यान रखना है कि आपका अल्फाबेट का लेटर यानी वेरिएबल जो भी है, x, y, z, p, q, r, सेम एक जैसा मिले। इस तरह आप चुन सकते हैं लाइक टर्म्स। चलिए इसमें d नंबर भी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। d नंबर में है आपका 2xy माइनस 5xz प्लस 4yz माइनस yz। मैं देख रहा हूँ कि yz मिल रहा है, लेकिन xz नहीं मिल रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, 4yz और yz, ये आपका क्या हो गया, इसमें लाइक टर्म्स हो गया। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये माइनस में है, तो आप यहाँ माइनस भी लगा देंगे, अगर प्लस है तो प्लस लिखने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लस तो छुपा हुआ रहता है जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन किसी भी डिजिट के पल अगर किसी भी कोई साइन अगर नहीं दिखाई दे रहा है, इट मीन समझे कि यह प्लस का साइन जरूर है, लेकिन माइनस लिखना पड़ता है। तो 4x 4yz और माइनस yz। इसी तरह क्वेश्चन नंबर ई एफ जी घर पर बैठ करके आप कंप्लीट करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान दें। 4 का ए आपका दिया हुआ है 7 प्लस 3y प्लस y स्क्वायर। स्टेट द डिग्री ऑफ ईच पॉलिनोमियल, करेगा प्रत्येक में आपको डिग्री बताना है। तो इसमें देखिए हाईएस्ट आपका पावर क्या है, डिग्री 2 है, इसका आंसर हो गया आपका 2 लिख देंगे।
बी नंबर देखिए, बी नंबर में 9PQ प्लस 16Q² 9PQ PQ प्लस 16Q² मैं देख रहा हूँ कि इसका पावर 3 है ज़्यादा, तो आप ये 3 डिग्री आपका 3 हो गया, और पावर को ही तो डिग्री कहते हैं। इसमें का सी नंबर, डी नंबर, ई नंबर, जो भी क्वेश्चन बना है आप अच्छी तरह से बनाएंगे, घर पर बैठ करके समझेंगे। ध्यान देना है एक एक क्वेश्चन का, आपका क्वेश्चन नंबर 1 में जो बच गया, चाहे 2 में या 3 में, जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन बचा है उसको आप घर पर बैठ करके अच्छी तरह से आपको बनाना है। थैंक यू।